मैं नहा चुकी हूँ, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी इज लिटरली क्रेजी फॉर मी, तो उसको इतना ज्यादा मेरे से अटैचमेंट हो गया है। इस वीडियो मेरा नाम है प्रियंका एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ मेरा मंथली रिकमेंडेशंस वीडियो। एंड जो भी मैंने पिछले एक दो महीने में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है यूज करके, जो मेरे को यूज करने में बहुत अमेजिंग लगा है, वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल एब्सोल्युटली वर्थ इट है, वो मैं अपने रॉ रियल अनस्पॉन्सर्ड ओपिनियंस आपको देने वाली हूँ। दो दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद अमेज़न, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जो है इनमें से कोई भी ब्रांड ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है। दीज आर ऑल माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, एकदम जेन्युइन वाले, क्योंकि कई बार लोगों से लगता है ना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो क्रिएटर सच नहीं बोल रहा होगा, बट मैं आपको वही रेकमेंड करती हूँ जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो एंड लेट्स सी मेरे मंथली फेवरेट स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स या इन जनरल एक दो चीजें और क्या क्या रही है इस महीने एंड लास्ट दो महीने में। एंड या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, अमेजोन ने लॉन्च कर दिया अपनी ग्लोबल ब्यूटी स्टोर, जहाँ पे सारे जो है बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आपको मिलेंगे, नॉर्मली फ्रीमैन, न्यूजन, डर्मोलॉजी एंड बहुत ही अमेजिंग ब्रांड्स। सो डू चेक इट आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। ऑल्सो इस वीडियो में गिव अवे भी है, बिकॉज हम 500 के बहुत पास है एंड अभी तक मैंने दो गिव अवे अनाउंस कर दिए हैं। सो मेरे चैनल के लॉन्ग वीडियोज को जरूर चेकआउट करना, दो वीडियोज में गिव अवे अनाउंस्ड है, जाके पार्टिसिपेट करना, दिस विल इंक्रीज योर चांस ऑफ विनिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। द शाउट आउट ऑफ द डे गोज टू थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट समवन। सो अगर आप भी मेरे चैनल के पे फीचर होना चाहते हैं तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर करूंगी कि अगले वीडियो में कोशिश करूंगी आप में से किसी को मैं शाउट आउट दूं और आपका भी नंबर कभी जरूर आएगा, वीडियो के गिव अवे में भी जरूर पार्टिसिपेट करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज फेस स्किन केयर। सो मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए पिछले दो चार महीनों में और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली परचेज किए, क्योंकि कोई ऐसे प्रोडक्ट होता है ना जो मुझे ऐसे एक्साइटिंग लगता है। जरूरी तो नहीं ना सब कुछ पीआर में आ जाए, हम लोग बहुत सारी चीजें परचेज भी करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सो सिंपल ने लॉन्च किया कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स। बाय द वे मेरा बैकग्राउंड आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो सिंपल ने कुछ बहुत अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उनका ये वाला रेंज लॉन्च हुआ है इंडिया में। दिस इज द सिंपल डेली स्किन डिटॉक्स रेंज, आई गेस नहीं सिंपल का हाइड्रेटिंग रेंज जो भी है, ये ब्लू वाला है। एंड मैंने इसमें से चार प्रोडक्ट पिक किए थे, इनका फेस वॉश, प्यूरिफाइंग फेस वॉश, क्लियर पोर स्क्रब, इनका हाइड्रेटिंग जेल क्रीम जो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, एंड दिस वन स्किन क्वेंच स्लीपिंग क्रीम। सो चार प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए थे सिंपल केस न्यू लॉन्च से। सो इन चार प्रोडक्ट्स में से मैं फटाफट से आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। ये वाला जो फेस वॉश है, सारे फ्रेग्रेंस फ्री है, सिंपल के कोई प्रोडक्ट्स यू नो जिनमें आर्टिफिशियल परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, केमिकल्स, हार्श वाले नहीं होते हैं, कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। सैलिसिलिक एसिड नहीं है, एल्कोहल नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, एनिमल डेराइव्ड कुछ नहीं है, दे डोंट टेस्ट ऑन एनिमल्स विच इज अमेजिंग। आई रियली लव सिंपल एज अ स्किन केयर ब्रांड। एंड ये ऑयली पिंपल प्रोन स्किन के लिए ये वाली पूरी रेंज है ना। ये जो फेस वॉश है ना, इसमें छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स भी है जो मतलब एक स्क्रब की तरह भी काम करते हैं, बट ऐसे भी नहीं है जो आपके स्किन को इरिटेट करे। तो बहुत मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसमें ग्रैन्यूल्स है। मुझे ये फेस वॉश बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं दिन में एक बार इसको यूज करती हूँ, बहुत ब्यूटीफुली क्लेंस करता है। मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ लिपस्टिक कलर लगा है, कुछ तो लगा है। सो मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन टाइप है एंड मुझे बहुत ज्यादा एक्ने होता रहता है। सो दिस हैज रियली वर्क्ड वेल फॉर मी, मेरे को बहुत पसंद आया। फॉर समर्स आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। नेक्स्ट अप मेरे पास दो सियापे स्क्रब भी है जो मैंने सिंपल से परचेज किए हैं। ये सिंपल का विटामिन सी ग्लो क्ले स्क्रब है, ये क्ले वाला स्क्रब है। सो ये जो है ना क्ले फॉर्म में, मतलब ये थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट सा है, लेकिन मुझे ऐसा क्ले जैसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा किसी मॉइस्चराइजर के अंदर स्क्रब हो, वैसा फील हुआ। एंड ये है क्लियर पोर स्क्रब और ये बिल्कुल जेल फॉर्म में है। नाउ अगर आप वो फेस वॉश ले रहे हो तो अगर आपकी ऑयली प्रोन स्किन है तो आप ये वाला स्क्रब लो। ये एक ऐसा स्क्रब है, बहुत सारे लोग जो परेशान होते हैं बड़े बड़े वॉलनट स्क्रब के वजह से, बड़े बड़े दाने के वजह से जो स्किन में इरिटेशन होती है, स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये वाला बिल्कुल भी प्रोडक्ट आपके स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, रियली 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 हाईली रिकमेंडेड। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं एंड सारे जो प्रोडक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजोन पर भी ग्लोबल ब्यूटी सेल चल रही है एंड बहुत अमेजिंग ऑफ चल रहे हैं, सब कुछ मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो गो चेक आउट द अमेज़न सेल राइट नाउ। बट इफ यू हैव डल्ड एंड टायर्ड स्किन, दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। आई थिंक बोथ ऑफ द स्क्रब्स रियली वर्क वेल फॉर माई स्किन, मैंने दोनों ही ट्राई किए हुए हैं। तो आपकी अगर बहुत डल सी एंड टैंड अप स्किन है तो आप ये वाला लो, अगर आप ऐसा कुछ नहीं है तो आप ये वाला ले सकते हो। दोनों, मतलब मेरे को लगा दोनों का इफेक्ट कुछ एक जैसा ही था, बट डेफिनेटली दोनों बहुत अच्छे स्क्रब है, बिल्कुल भी हार्श नहीं आपके स्किन पे। अब हम बात करते हैं उन दो मॉइस्चराइजर्स की जो मैंने सिंपल से लिया। सो ये वाला फर्स्ट मॉइस्चराइजर है हाइड्रेटिंग जेल क्रेम। नो, ये थोड़ा सा लाइट वेट है, इससे दोनों का टेक्सचर मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगा, तो डजंट मैटर आप दोनों में से कोई सा भी खरीदो। दिस इज स्किन क्वेंच स्लीपिंग मास्क एंड ये थोड़ा ज्यादा हैवी है ये वाले से, एंड आप इसको अगर लेते हो तो ये डे के लिए बहुत परफेक्ट है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं, अगेन 50 ग्राम्स प्रोडक्ट है एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी। तो दिस इज द प्रोडक्ट गाइस, एंड कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह स्किन में ब्लेंड हो जाती है। बहुत ही हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है एंड आई वुड रिकमेंड दिस फॉर पर्टिकुलरली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉट फॉर ड्राई स्किन और यू नो नॉर्मल स्किन। बिल्कुल अगर ऑयली स्किन है तो परफेक्ट मॉइस्चराइजर आपकी स्किन के लिए। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई रेंज, लिटरली मैं इसको इतना यूज कर रही हूँ कि ये लिटरली अब खत्म ही होने वाला है। द सेकेंड वन इज दिस वन, एंड ये सारे 500 के नीचे वाले प्रोडक्ट्स ही है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और ये थोड़ा सा ना इससे थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो बेसिकली ये आप रात को यूज करो। मतलब मेरे को तो दोनों एक जैसा ही लगा, ऑलमोस्ट हल्का सा फर्क है। एंड ये जैसे कि रात में आप लगा के सोते हो तो, लेकिन अगर आप ले रहे हो आपको दोनों लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आपको ऐसे स्लीपिंग मास्क यूज करना है तो आप ये वाला लो, अगर आपको ऐसे डे क्रीम यूज करना है, ऐसे नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह यूज करना है तो आप ये लो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऐसे हाइड्रेशन नहीं मांगती है तो आप ये वाला ले सकते हो डेफिनेटली। इसका भी प्राइस कुछ 499 ही है, बट अगर मुझसे पूछो तो दोनों में से ये ज्यादा 499 में आई थिंक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रेट करे स्किन को। डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन योर नीड, बट मेरे को दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए। एंड ये थोड़ा ज्यादा हल्का सा थिक है उस वाले से, बट दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। बोथ प्रोडक्ट्स आर रियली गुड एंड आई लव दिस न्यू लॉन्च रेंज फॉर सिंपल, फ्रॉम सिंपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव फॉर द डे। नेक्स्ट ऐसे दो प्रोडक्ट है जिनसे मुझे प्यार हो गया, डेफिनेटली इस पूरी रेंज से मुझे प्यार हो गया, मैंने इनका वीडियो भी किया था रिसेंटली, इज द हाइलोरोनिक एसिड रेंज। नाउ अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, समर्स में थोड़ा सा यू नो बिटवीन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मली रहती है, ज्यादा ऑयली नहीं होती है, बट हो जाती कभी कभी, डिपेंड्स अपॉन। अभी से थोड़ा मॉनसून टाइप हो रहा है ना, हल्का बारिश वगैरह हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा ऑयली हो रहा है, बट आई वॉज यूजिंग दिस रेंज कॉन्स्टेंटली। आई यूज इट फॉर 3-4 वीक्स बिफोर इट फॉर यू गाइज। लव्ड 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 दिस होल रेंज, बहुत प्यारा रेंज है। इज अ लॉरियल हाइलोरोनिक एसिड रेंज, रिवाइटलिफ्ट वाला। इफ यू हैव ड्राई स्किन, इफ यू हैव स्किन दैट इज फ्लेकी, बहुत ड्राई है, इची स्किन है, इरिटेटेड स्किन है, डेफिनेटली गाइज यू नीड दैट क्वेंच ऑफ हाइड्रेशन टू योर स्किन। एंड ये एक ऐसा सीरम है जो आपको जरूर के जरूर ट्राई करना चाहिए, अगेन अंडर 500 रुपीज। अगेन अगर आपकी स्किन किसी भी टाइप की क्यों ना, ऑयली स्किन वाले लोग भी इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। दिस इज द हाइलोरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर फ्रॉम लॉरियल, इट इज देयर प्लम्पिंग डे क्रीम। आप इसको डे में यूज करो, नाइट में यूज करो, डजंट मैटर, दोनों टाइम ही आप इसको यूज कर सकते हो। इसको मैंने बहुत 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 यूज किया है, एज यू गाइज कैन सी बिल्कुल क्वेंच किया हुआ है इसको, एंड बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। ओनली इफ यू हैव वेरी वेरी ऑयली स्किन जो कि एकदम ड्रिप करता रहता है ऑयल में, देन आई वुड नॉट रिकमेंड इट। अदरवाइज इफ यू हैव ऑयली कॉम्बिनेशन, नॉर्मल ड्राई स्किन, कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल जेल वाली है एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। नाउ देयर आर टू सनस्क्रीन्स दैट आई रियली एंजॉयड यूजिंग इन द मंथ ऑफ मे। वन वाज सनस्कूप का सनस्क्रीन, बिकॉज ये बिल्कुल इनविजिबल सनस्क्रीन है, बिल्कुल जो प्राइमर्स होते हैं ना वैसा है, जो एकदम इनविजिबल सिलिकॉन प्राइमर होते हैं ना वैसा इसका कंसिस्टेंसी है, एकदम देख लो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल की तरह है। एंड जब इसको लगाते हो ना बिल्कुल वो सिलिकॉन प्राइमर वाला ही फील आता है ना। दिस इज SPF 40 PA 3+। आजकल ब्रांड्स बहुत सारे अमेजिंग यू नो नई नई चीजों के साथ आ रहे हैं कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देगा आपको, व्हाइट कास्ट भी नहीं है, नॉन कमेडोजेनिक है, तो स्किन में कोई आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। इन शॉर्ट अगर आपको ऐसे एकदम ऐसे सनस्क्रीन चाहिए जो बिल्कुल ही एकदम प्राइमर की तरह काम करे, आपको ऑफिस जाना है डेली मेकअप बेस की तरह, आपको मेकअप बेस में एक प्राइमर चाहिए, एक स्टेप कम करना चाहते हो, तो इसको लगा के देन डू योर मेकअप एंड यू कैन सी इट इज जस्ट ट्रांसपेरेंट, इट इज जस्ट ट्रांसपेरेंट, इट डज नॉट शो ऑन योर स्किन एट ऑल।
लवली सनस्क्रीन एंड ये 500 के नीचे आपको अमेजोन पे मिल जाएगा बेस्ट डील पे. वैसे तो इसका एमआरपी 675 है बट 5550 के अराउंड आपको मिल जाएगा. नो वन मोर सनस्क्रीन आई रियली लव एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इज द डर्माको 1% हाइलोरॉनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल. नाउ ये एकदम मॉइस्चराइजर की तरह फील होता है. इसमें विटामिन सी विटामिन ई है एंड हाइलोरॉनिक एसिड है, तो दोनों आपकी स्किन को बहुत ब्यूटीफुली हेल्प करते हैं. हाइलोरॉनिक एसिड हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. विटामिन ई भी काफी बेनिफिट्स करता है आपकी स्किन के लिए. आई थिंक एजिंग में काफी अच्छा हेल्प करता है. एंड ये काफी अच्छा सनस्क्रीन है. ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है एंड ये भी फ्रेग्रेंस फ्री है ऑलमोस्ट एंड दिस इज वेरी नाइस. ये आपको दिखा देती हूँ थोड़ा. ये बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह लाइट वेट है, कोई व्हाइट कास्ट ये भी नहीं छोड़ता है एंड बिल्कुल स्किन में ब्लेंड हो जाता है. तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ये 80 ग्राम है और ये सिर्फ 45 ग्राम है. ये 675 का है एंड दिस वन इज फॉर कितने, इसका 50 ग्राम वाला भी आता है एंड ये वाला भी आता है. जो भी है इसका प्राइस मुझे दिख नहीं रहा है, शायद बॉक्स पे होगा बट आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू चेक इट आउट गाइज. बोथ द सनस्क्रीन्स आई रियली लव्ड यूजिंग इन द मंथ ऑफ मे. नेक्स्ट यू गाइज आर सम प्रोडक्ट्स आई लव फ्रॉम द हेयर कैटेगरी. उससे पहले लास्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ स्किन में. देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करती रहती हूँ बट ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, आई वुड रेकमेंड यू एंड मंथ ऑन मंथ आई कीप ऑन ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स. नाउ आई लव्ड वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम डर्माको, इट द सैलिसिनामाइड सीरम. तो अगर आपको बहुत एक्ने होता है गो फॉर इट. अभी मेरे को एक्ने नहीं हो रहा है, मेरा एक्ने बंद हो गया. मैंने रिसेंटली अपने वीडियो में उसको दिखाया भी था. सो इफ यू हैव एक्ने राइट नाउ गो एंड डू अप्लाई इट. अभी मेरे को वापस स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑन माई पीरियड एंड आई कैन फील कि यहाँ पे एक्ने आ रहा है. सो आई विल स्टार्ट यूजिंग माई सैलिसिनामाइड सीरम फ्रॉम डर्माको एंड द फेस वॉश इज अमेजिंग. आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, सो उसको मैं लिंक डाउन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, डू चेक इट आउट. नेक्स्ट यू गाइज एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस रिफ्रेश टोनिंग मिस्ट इज समथिंग आई हैव यूज्ड एंड आई हैव फिनिश्ड. लिटरली इस पे ऐसा लग रहा है मैं नहा चुकी हूँ, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है. लव्ड इट, बहुत रिफ्रेशिंग है. मेरी स्किन को पता नहीं क्यों बहुत काम डाउन कर देता है एंड मेरी स्किन को काफी फ्रेशन अप करने में हेल्प करता है. पसंद आया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हेयर कैटेगरी. देयर आर 3-4 प्रोडक्ट्स आई लव्ड हैव बीन ट्राइंग इन द मंथ ऑफ मे एंड अप्रैल. सो सबसे पहले ये बी ब्लंट की शैम्पू कलर, बट हर बार मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि मैं 3-4 घंटे जाके पार्लर में स्पेंड करूं बिकॉज आई हैव अ स्मॉल बेबी. मेरी बेबी सिर्फ 2 ईयर्स की है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी इज लिटरली क्रेजी फॉर मी. उसको अभी एकदम पागलपन हो गया है, मम्मा 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 मम्मा, पता नहीं एकदम से उसको इतना ज्यादा मेरे से अटैचमेंट हो गया है कि वो मेरे को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है. मैं भी कोशिश करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए वीडियोज आजकल कम आती है थोड़ा. एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव मोर टाइम टू माई किड. तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, अभी मेरे काफी वाइट हेयर हो गए थे और मुझे चाहिए था सब इजी से सोल्यूशन, इजी पीजी की 5-10 मिनट में हो जाए बिकॉज मेरे को वो आधे घंटे कलर करने वाला भी सीन ना बहुत हेक्टिक लगता है. सो भाई 5 मिनट में लिटरली कलर हो जाता है इससे एंड दिस इज रियली गुड इन क्वालिटी. आई ट्राइड अदर शैम्पू कलर्स ऑल्सो बट दे डोंट लास्ट लॉन्ग एंड काफी इरिटेशन भी होती है उससे एंड काफी मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है. बट दिस इज 8-week लॉन्ग लास्टिंग बी ब्लंट का शैम्पू हेयर कलर. ना ये ऐसे सस्ता भी नहीं है, 299 का आई थिंक 4 सैशेज रहता है इसके अंदर. एंड मैं अगर अपने पूरा स्कैल्प को करती हूँ क्योंकि मेरे स्कैल्प पे ना काफी यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट हेयर अभी भी देख रहे हो वापस आ रहा है. सो वो मेरा फ्रेश ग्रोथ है बट जो कलर हो रखा है वो खराब नहीं होता है. सो बेसिकली बहुत अच्छा कलर है एंड इसके अंदर आपको इस तरीके के पाउचेस मिल जाते हैं, 5 pair ऑफ ग्लव्स भी मिल जाते हैं. एंड अपना ग्लव्स पहनो मस्त, किसी बोल में डाल लो या हाथ में ऐसे लो, ब्लेंड करो. वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी बोल में डालो, इसके अंदर एक 2 चीजें रहती है वो अपने आप मिक्स कर लो आप एंड देन उसको अप्लाई कर लो हाथ से ब्रश से जैसे कंफर्टेबल फील हो. 5 मिनट छोड़ो एंड देन वॉश योर हेयर ऑफ एंड बिल्कुल शैम्पू के साथ मतलब शैम्पू की तरह ये हो जाता है, शैम्पू हेयर कलर है एंड बिल्कुल आपके बाल जो है कलर हो जाएंगे. नाउ दैट कलर द कलर दैट गोज बेस्ट फॉर माय हेयर इज दिस चॉकलेट डार्क ब्राउन कलर एंड आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस टू चेक इट आउट इफ यू वांट कि मेरा इजी पीजी सा फटाफट से मेरा कलर होने वाला सोल्यूशन मुझे मिल जाए. नेक्स्ट गाइज एक सेरम है जो लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इज दिस लॉरियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सेरम. नो ये मैं सालों से यूज करती आ रही हूँ बट रिसेंटली इसका न्यू फॉर्मूला लॉन्च हुआ था एंड 2 महीने से अभी मैं इसको लास्ट मेरे को 2 महीने पहले आया था
एंड मैं पिछले एक डेढ़ महीने से लगातार यूज कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा सीरम है, काफी लाइट हो गया। पहले वाला मेरे को थोड़ा सा थिक लगता था, थोड़ा हैवी लगता था, बट अब ये परफेक्ट फॉर्मुलेशन है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी है 100 ml, एंड इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, एंड 599 प्राइस है। अमेजोन पे तो आपको 400 समथिंग का मिल जाता है। इसका छोटा ट्रेवल साइज भी आता है, सो इफ यू लुकिंग आउट फॉर अ सीरम, बाल बहुत टैंगल्ड अप हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी है, उड़ रहे हैं, सेटल नहीं हो रहे हैं, बहुत फ्लाई अवेज हो रहा है, सो दिस इज द सीरम यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट, जिससे मेरे को देख रहे हो कितने फ्लाई अवेज हो रहे हैं। सो लेट मी जस्ट डू इट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मैंने थोड़ा सा सीरम लिया, ब्लेंड कर लिया अपने हाथों में, ठीक है। अभी आप अपने आप के सामने देखना, फ्लाई अवेज सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, बाल काफी हद तक देख रहे हो काफी कम हो गए, देख रहे हो लिटरली। सो बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा सीरम है, बालों को बहुत मैनेजेबल एंड बहुत शाइनी हेल्दी वाला लुक देता है। लिटरली लव दिस सीरम, आई वुड हाईली रिकमेंड इट। नेक्स्ट अब मैंने एक नया शैम्पू एंड कंडीशनर ट्राई किया पिछले 2-3 हफ्तों से, दिस इज फ्रॉम डव, देयर हेयर थेरेपी। बिकॉज मेरे को थोड़ा सा हेयर ब्रेकेज, हेयर फॉल का इश्यू हो रहा था, बिकॉज मेरा PCOS बहुत बढ़ गया आई थिंक, एंड थोड़ा हॉर्मोनल इशूज हो रहे थे मुझे, जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल सडनली बढ़ गया था। बट मैं थोड़ा ध्यान रख रही हूँ, एंड ये वाला रेंज मैंने यूज करना स्टार्ट किया था, ये ब्रेकेज रिपेयर वाला रेंज, कंडीशनर एंड शैम्पू। मैंने डव के शैम्पूस पहले भी यूज किए, बट इस बार पता है मेरे को क्यों पसंद आया, क्योंकि ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। मेरे को सल्फेट फ्री शैम्पू ही चाहिए, मैं सल्फेट फ्री शैम्पूज ही यूज करती हूँ एंड वही रिकमेंड करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो इसमें ना काफी सॉफ्ट हो गए मेरे बाल, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो बाल काफी सॉफ्ट फील हुए, बड़े स्मूथ से फील हुए, एंड मतलब पहली बार डव के साथ इतना अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। एंड ऑल्सो वन ग्रेट थिंग इज दैट ये पीटा सर्टिफाइड हो गया है, एंड क्रुएल्टी फ्री भी हो गया है, एंड काफी सारी चीजों को पे ऊपर डव ने काम करा है। सो मेरे को ये वाला रेंज काफी ज्यादा पसंद आया, मैंने इसको अमेजोन से पिक किया था, तो यू कैन पिक इट अगेन, 400 रुपीज के अंदर ये वाला बॉटल आता है, और ये कंडीशनर भी 400 रुपीज के अंदर आता है, और बहुत ही अमेजिंग रेंज है। अगर आपके बाल बीच से टूटते हैं, अगर आपके बाल गिरते हैं काफी ज्यादा, तो आप एक बार ये वाला रेंज ट्राई करके देखो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू आउट। सो या लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे, इज माई बॉडी मिस्ट, जो मेरे को अभी बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। पिछले 1 month से मैं इसको बैंग ऑन इतना यूज किया ना मैंने, एंड इतने ज्यादा कभी मेरा कोई बॉडी मिस्ट लास्ट नहीं हुआ है। आई ट्राइड बॉडी मिस्ट फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, बट बॉडी मिस्ट ना ज्यादा देर आपकी बॉडी पर टिकता नहीं है, बट ये एक ऐसा बॉडी मिस्ट है ना जो लिटरली परफ्यूम की तरह स्टे करता है। मैं पूरा घूम फिर के आ जाती हूँ, फिर मैं वो कपड़े खोल के रख देती हूँ, फिर अगर मैंने उनको उठाया ना, मैं एक बार पहनने के बाद कपड़े कभी रिपीट नहीं करती, धो के फिर मैं उसको दोबारा पहनती हूँ, मतलब एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनती। सो लिटरली उसमें वो खुशबू आ रही होती है। तो दिस इज फियामाज हैप्पी नेचुरल्स यलांग प्योर ब्लॉसम एंड यलांग बॉडी मिस्ट। इट इज 91% नेचुरल एंड सेफ ऑन सेंसिटिव स्किन, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। इसकी फ्रेग्रेंस देखो, आई एम वेरी बैड विथ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सप्लेनिंग फ्रेग्रेंसेस नहीं बता पाऊंगी, बट मुझे बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस से माइग्रेन होता है, मेरे को सर दुखने लग जाता है, ये वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है। बहुत फ्रेश, फ्रूटी, फ्लोरली, सबको मिला जुला कर एक बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, एंड आई रियली लाइक इट। सो अगर आपको सरदर्द नहीं चाहिए, वो वाला फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए जिससे सर में दर्द हो, दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। इट्स वेरी फ्रेश, इट्स वेरी फ्रूटी, फ्लोरली, मोर ऑफ फ्रूटी, एंड आई लिटरली लव दिस बॉडी मिस्ट, हाईली रिकमेंडेड। सो दोज आर ऑल द प्रोडक्ट्स, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। एंड या दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे, एंड हियर इज द प्रोडक्ट फॉर टुडे, द गिव अवे प्रोडक्ट्स एंड द रूल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट, पार्टिसिपेट राइट नाउ गाइज, सारे रूल्स फॉलो करना ताकि आपके चांसेस बढ़ जाए विन होने के। एंड या दैट इज इट, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर देना आप लोग, अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है कि आपने पार्टिसिपेट किया है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। या दैट इज इट, सारे लिंक्स चेकआउट करना अमेजोन के, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।